एक रोम्बस क्या होता है कि स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, और इसमें सारी साइड देखो इक्वल है, ठीक। अब देखो एक डायगनल ये आया, एक डायगनल ये आया, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे दोनों डायगनल्स कट करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक। अभी कह रहे हैं पूरा डायगनल 16 सेंटीमीटर है, 16 है, लेट दिस पॉइंट बी ओ। अगर डी बी पूरा देखो तुम्हारा 16 सेंटीमीटर है, ओडी कितना हो जाएगा 16 का आधा 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। चलो अभी कह रहे थे दूसरा तुम्हारा डायगनल है दैट इज 30 सेंटीमीटर, सपोज करो एसी तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है पूरा, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 30 का आधा करो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब चलो हम ये ट्राइंगल देखते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ओ, दिस इज पॉइंट डी, ये वाला ट्राइंगल मैंने निकाला, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये तुम्हारा 15 है, देखो ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, एडी निकाल लो, ये वाला साइड निकाल लेते हैं हम, ठीक है। कैसे करोगे इसको, अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा हाइपोटन्यूज है एडी, है ना, ये तुम्हारा इस ट्राइंगल के हिसाब से हाइपोटन्यूज हुआ, तुम्हें पता है हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 8 का स्क्वायर कर दो, बेस क्या है 15 है तुम्हारा, ठीक है, 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 982, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है तुम्हारा 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर तो 289 है, तो h कितना हो जाएगा 17, क्योंकि ये होता है 17 × 17, ठीक। तो देखो तुम्हारा एक साइड 17 आया, रॉम्बस में सारी साइड सेम होती है, ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17, ठीक है। चलो पेरीमीटर निकाले इसका, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक, दैट मींस 17 प्लस 17 17 प्लस 17, है ना, मतलब 4 × 17 आ गया, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 × s, ठीक है, ये पेरीमीटर होता है रॉम्बस का। चलो 4 7 28 4 1 4 5 6, सो ये आंसर विल बी 68 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।